द्वारेश्वर नामक गांव में मस्तान नामक एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान के दुकान में मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान के ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन उस गांव के जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान को आता है। हे मस्तान, कल जमींदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है। उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं। 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काट के कल सुबह 6 बजे को महल लेके आना होगा। पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है, इसीलिए वो बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए, बात क्या है? जमींदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दिया कि सुबह 6 बजे उनको मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया। आ हाँ, तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अब जमींदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता, मैं दे दूंगा 2000। ऐसे कहकर 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है। जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। हम कोई बात नहीं, जमींदार के दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुंचा देना होगा। ऐसे सोचकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े काट के सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार 6 बजे को जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? ये सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे। मस्तान भी उस सेवक का बात मानकर बाहर इंतजार करता है। लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है, इस 15 किलो मांस से अगर मैं 1 किलो ले लूं तो किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे उस कवर में से 1 केजी मांस को छुपा के बाकी को देने जाता है। सलमान को देख के कहता है, साहब, मस्तान ने ये आपको देने के लिए कहा है, वो पैसों के इंतजार में बाहर खड़ा है। सलमान सेवक के हाथ से मांस लेके सीधा रसोई घर जाता है। ये जान के कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है, बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है, सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए, ध्यान से पकाना। ऐसे कहकर चला जाता है। बावर्ची पकाते हुए, है इतने मांस से अगर मैं 2 केजी ले लूं तो किसको शक होगा? किसी को भी नहीं होगा। ऐसे सोचकर मांस को छुपा के बाकी को पकाता है। दावत के व्यंजन की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चख के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लेता है। आए हुए मेहमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इतना अमीर और सम्मानित आदमी, अच्छा नाम है इनका, मगर खाने में कमी क्यों? हाँ, अगर खाना कम ही पड़ना है तो ऐसी दावत की तैयारी भला क्यों करें? ऐसे सारे लोग खुसफुसाते हैं। ये सब सुन के जमींदार सहन नहीं कर पाते हैं। दावत के खत्म होने के बाद क्रोधित होके सारे लोगों को सभा में बुलाते हैं, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनको सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रभु, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बावर्ची से पूछिए प्रभु।
ऐसे उसने अपनी किए को छुपाकर किसी और पे इल्जाम डाल देता है। तब बावर्ची छुपाए हुए 2 किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामग्री के लिए जिम्मेदार सलमान के पास इसका जवाब होगा। ऐसे उस बात से छुटकारा पाता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के दिए गए 6,000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रख के ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतजार कर रहा है, जमींदार से ये बात छुपाता है और कसाई मस्तान पे इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी है। अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु, ऐसे कहता है। उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इल्जाम का सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आके कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेले कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत का नाम सुनते ही 1,000 के बकरी को 2,000 में बेचते हैं। सुबह आके मैंने मांस को पहुंचा दिया और आपके सेवक सलमान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया और ये भी कहा कि वो सलमान को बुलाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिकर मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो अगर 6,000 रुपए मिलते हैं। खोजने पर सलमान के जेब में 6,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सब में से सलमान पकड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, किशन जिन सेवकों की सहायता से सभी व्यंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है, उनमें से एक सहायक जमींदार को सच कह देता है। बावर्ची का झूठ बैग में रखे मांस कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है और पहला सेवक जिसने 1 किलो छुपा लिया, उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6,000 दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। एक बार भोमनपुर में राजन नाम का एक आदमी था जो एक धोबी था और वह अपनी बेटी रेखा के साथ रहता था। रोजाना राजन अपनी बेटी के साथ ग्रामीणों के घर पर उनके गंदे कपड़ों को इकट्ठा करने के लिए जाता था। कपड़े इकट्ठा करने के बाद वह इन्हें एक एक करके गिनता, उन्हें एक पोटली के रूप में बनाता और उन्हें नदी के किनारे ले जाता था। जब राजन कपड़े धोता था, रेखा कपड़ों के लिए साबुन तैयार करती थी। कपड़े धोने के बाद राजन साबुन में कपड़े डुबोता, अपनी बेटी की मदद से उन्हें निचोड़ता था और उन कपड़ों को चट्टानों पर फैलाकर सुखाता था। कपड़ों को घर पर लाकर राजन इस्त्री करता था और रेखा पोटली में बांधती थी। इसी तरह वे मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे। कपड़े धोते समय रेखा कुछ खास कपड़ों को देखती और कहती थी, पिताजी, मैं इस प्रकार के कपड़े कब पहनूंगी? पिताजी, क्या आप इस पोशाक को देख रहे हैं? सुंदर है ना? मुझे लाल रंग के कपड़े बहुत पसंद है। पिताजी, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं, क्या आप मुझे दिलाएंगे? रेखा जब भी राजन से इस तरह पूछती थी तो वह उसे कभी जवाब नहीं देता था। अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद उसने ग्रामीणों के कपड़ों की पोटली में से अपनी पसंदीदा आधी साड़ी उठाई और सज धज कर अच्छे से तैयार हो गई। तैयार होने के बाद वह खुद को निहारती और बहुत खुश महसूस करती। वह ऐसा कई बार करती थी,
और इसी तरह रेखा को इसकी आदत पड़ गई। हर दिन वह अपने पिता को बिना बताए पोटली में से कुछ कपड़े चुरा लेती थी। जब उसके पिता सो जाते वह उन कपड़ों को पहन लेती और फिर सज धज कर अपने आप को निहारती थी। एक दिन जमींदार की बेटी ने अपने एक कपड़े धोने के लिए धोबी को राजघराने में बुलाया। राजन अपनी बेटी रेखा के साथ उनके पास पहुंचा। जब वे दोनों कपड़े इकट्ठे कर रहे थे, रेखा की नजर एक लाल और पीले कपड़े पर पड़ी और वह सचमुच उस कपड़े में खुद को देखना चाहती थी। कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद अनजाने में फिर से उसने वह कपड़े चोरी कर लिए जो उसने जमींदार के घर पर देखे थे। जब राजन उन कपड़ों को वापस देने के लिए गया तब उसने गिनती करके एक एक कपड़ा पोटली से बाहर निकालना शुरू किया और उसे 11 कपड़ों में से केवल 10 जोड़ी कपड़े मिले। वो एक कपड़ा तो जमींदार की बेटी के पास था और उसने लापता जोड़ी के बारे में पूछा। मेम साहब, मैंने तो आपके सामने कपड़े गिन कर पोटली में रखे थे, पता नहीं अभी क्या हुआ। मुझे घर जाना है और एक बार मैं घर जाकर जांच करूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कृपया आप बुरा मत मानिए। ऐसा कहते हुए वह राजघराने से निकल गया। जल्द ही वह अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी को उस एक जोड़ी कपड़े में देखकर चौंक गया। रेखा को अपने पिता के घर इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी। अरे पिताजी, मैं समझा सकती हूँ, कृपया मेरी बात सुने। बेटी, मैं इस गांव में सम्मान और नाम के साथ रहता हूँ और मन से काम करता हूँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तो बहुत शर्म की बात है कि आपने चोरी की है। जो आपने अभी किया है वह बिल्कुल गलत है, यह मूर्खता है। पिताजी, मुझे माफ कर दें पिताजी, मैं अपने जीवन में फिर ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। रेखा, उन कपड़ों को धोकर इस्त्री कर दो, उन्हें तैयार रखें। मुझे उन्हें वापस कल लेकर जाना है, मैं खुद जाकर वापस करूंगा। अगर उन सभी को पता चल गया तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी, तो बेहतर है जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रेखा अपने कुछ दोस्तों के साथ थी। रेखा, तुम क्या कर रही हो? गांव के बाजार में बहुत रंगीन कपड़े मिल रहे हैं, चलो उन्हें खरीदते हैं। हाँ, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? आओ साथ चले और देखते हैं। दोस्तों, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्यों, तुम क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने कोई भी 3 पुराने जोड़े कपड़ों में से एक उठा कर ले आओ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस बाजार में एक आदमी है जो पुराने जोड़े कपड़े लेता है और उसके बदले में हमें पैसे देता है। क्या सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, मैं 3 जोड़ी कैसे बेच सकती हूँ? तुम एक काम करो यार, तुम्हारे पिता एक धोबी हैं, रोज कम से कम 100 जोड़े कपड़े तो आते हैं ना, तुम उन कपड़ों में कुछ 3 जोड़ी कपड़े नहीं चुरा सकती? अरे उन्हें बेच देंगे,
और हमें बदले में पैसे मिलेंगे। उन पैसों से तुम नए कपड़े खरीद सकती हो। अच्छा, हाँ ये ठीक तो है, मगर अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, हम तो उन कपड़ों को बेचने जा रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने कपड़े चोरी किए हैं? कपड़े तो गायब हो जाएंगे, तो पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं। इस तरह से रेखा ने अपने दोस्तों की बात मान ली। रेखा ने 3 जोड़ी कपड़े चुरा लिए और अपने दोस्तों के साथ बाजार तक दौड़ लगाई। उन्होंने उन कपड़ों को बेच दिया और उसके बदले उन्होंने रेखा के लिए पसंदीदा रंग की साड़ियां खरीदी। उन नए कपड़ों के साथ रेखा वापस घर लौट आई और नए कपड़ों को उसने बाहर छुपा दिया। जैसे ही रेखा घर वापस लौटी, उसने देखा कि उसके पिता वह खोए हुए कपड़ों को पूरे घर में तलाश रहे हैं। रेखा ने भी खोजना शुरू कर दिया। उसी समय गांव के सरपंच कुछ अन्य गांव वालों के साथ राजन के घर पर पहुंचे। अरे राजन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। उनकी पुकार सुनकर राजन घर से बाहर निकला। उसने सरपंच के हाथों में वह गायब हो गए कपड़ों को देखा और उन्हें देख के आश्चर्यचकित हो गया। सरपंच ने उसे बताया कि यह कपड़े उसे बाजार में मिले, जहां पे पुराने कपड़े खरीदे जा रहे थे जिसके बदले ग्राहकों को पैसे मिल रहे थे। राजन, क्या ये उचित है? नहीं नहीं साहब, मैंने उन्हें पैसे के लिए नहीं बेचा। कृपया मुझ पर भरोसा करें, मुझे नहीं पता कि यह कपड़े उस आदमी के पास कैसे पहुंचे। राजन, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। उस व्यक्ति को ये कपड़े तुम्हारी खुद की बेटी ने बेचे हैं। क्या इस तरह आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, आप सभी मेरी बात ठीक से सुनो। अब से कपड़ों को धोने और इस्त्री करने के लिए हम राजन को नहीं देंगे। हमारे बीच जो अफवाह फैलाई गई है वह सच है। यह लोग हमारे कपड़ों को बेचकर फायदा उठाते हैं और बाद में ऐसा कहते हैं कि कपड़े तो अचानक गायब हो गए। कृपया क्षमा करें, ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है। सरपंच ने सभी को ऐसा कहा और वहां से चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। हमें बार बार गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार की हुई गलती आदत बन जाती है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना है। किसान का सपना। एक बार कालेश्वर नामक एक गांव में कृष्ण वीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के नामकरण के दिन उसको हरि प्रसाद का नाम दिया गया। गांव के सारे संत, ज्योतिषी और धार्मिक साधु जो इस नामकरण के उत्सव पे आए थे, सबों ने ये बोला कि हरि प्रसाद बड़ा होकर अपने परिवार की संपत्ति को तिगुना कर देगा। कृष्णा और उसकी पत्नी इस वरदान को लेकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब बचपन से ही हरि प्रसाद ये सुनते आ रहा था कि उसके कारण परिवार की संपत्ति तिगुना हो जाएगी, तो वो बहुत अमीर बनने के सपने देखते देखते बड़ा हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह कई जमीनों का मालिक बनेगा और भोरी भोरी पैसे कमाएगा। हरि प्रसाद 21 साल का हो गया जब उसके पिता ने घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप दी और उसका विवाह भी करवा दिया।
काम की जिम्मेदारी लेने के बाद वह आलसी बन गया। फसल की देखरेख करने के बजाय वह खेत में आराम करता था दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए। इसी तरह दिन बीत गए और अंत में सब खराब हो गया। कृष्ण वीर प्रसाद ने ये देखा और अपने बेटे को बुलाया। हरि प्रसाद, मुझे लगा तुम उत्तम रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे और घर गृहस्थी अच्छे से संभालोगे। मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरा नाम रखोगे, पर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पिताजी, आप सब लोगों ने ही तो कहा था कि मेरे जन्म की वजह से इस परिवार की संपत्ति दिगुना हो जाएगी। मैंने ना आपका नाम खराब किया ना कुछ। मैं तो हर रोज समय पे खेत पे भी जाता हूँ। ओह मेरा भोला बेटा, अगर तुम दिल और दिमाग लगाकर काम करोगे तभी हमारी अच्छी फसल उगेगी ना। अगर तुम केवल खेत पर जाकर कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा कहाँ से आएगा? अगर तुम ऐसे ही करते गए तो हमारा पैसा, खाना, धन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो जागो और अपना कर्तव्य निभाओ। हरि प्रसाद को अपने पिताजी की बात समझ आ गई। मैंने इतने दिन बर्बाद किए, इतनी छोटी सी बात थी और मुझे समझ नहीं आया। बिना काम किए मैं परिवार की संपत्ति को दिगुना कैसे कर सकता हूँ? पिताजी, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा विश्वास करिए। हरि प्रसाद ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और चला गया। अपने वादे के अनुसार हरि अब रोज खेत पर जाकर काम को अच्छे से देखने लगा और सुनिश्चित किया कि मजदूर ठीक से काम कर रहे थे या नहीं। सबसे बेहतरीन फसल लाने के लिए हरि प्रसाद अलग अलग तरीके सोचने लगा खेती बाड़ी करने के लिए। उसकी पत्नी ने उसको कठोर परिश्रम करते देख उसके लिए भोजन ले जाने लगी खेत पर। फिर उसने अपने ससुर जी के सामने भी हरि प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। जब पिताजी ने भी ध्यान दिया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से खेती के लिए बेहतर मशीनों का प्रबंध किया। पर हरि प्रसाद अपने सपने के बारे में नहीं भूल पाया जो वो बचपन से देख रहा था। उसने देखा कि उसकी अच्छी खासी फसल निकलने लगी। उसको अनाज और बीज के 100-100 भोरियां निकलने लगे। परंतु हरि प्रसाद संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसका सपना और भी बड़ा था। वह अपने सपने को सच करना चाहता था परंतु वैसा हो ही नहीं रहा था। हालांकि बाकी के लोग तो बहुत खुश थे। हरि प्रसाद से बात करने गए पर वो खुश ही नहीं था। उसके पिताजी की प्रशंसा भी काफी नहीं थी उसका मन बदलने के लिए। हरि प्रसाद बेटा, जरा देखो सब कितने खुश हैं। पर तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा सपना कुछ अलग था, इससे भी बड़ा। मैं खुश हूँ ही नहीं। हरि प्रसाद, जितना भी हमारे पास है उससे हम सब खुश हैं। तुम कुछ ज्यादा ही प्राप्त करना चाह रहे हो। हमारी फसल बहुत अच्छी है अभी। अपनी उम्मीदें इतना भी मत बढ़ाओ, नहीं तो जो है उसको भी खो दोगे। परंतु हरि प्रसाद वैसा ही रहा। वह और धन कमाने की कोशिश करता गया और 10 गुन ज्यादा धनवान भी बन गया। सबको दिख रहा था कि हरि प्रसाद ने अपने सपने को पूरा किया था, पर इस बात का एहसास खुद हरि प्रसाद को ही नहीं था। अब क्योंकि वह अपनी कमाई से खुश नहीं था, वह अपने परिवार के साथ कभी भी समय बिता नहीं पाया और जीवन भर असंतुष्ट ही रहा।